नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांशु सुरेश टेक फ्यूचर में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज से हम जो सो एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं और जिसमें जो सो काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज किए हुए सामान के बारे में हम रिव्यू बताने वाले हैं। जी हाँ, आई मीन एक जो सो देखो ऐसा है प्रेफरली मेरे अकॉर्डिंग ये मैंने सोचा है कि आई मीन बाकी का मैं ऐसे नहीं बता रहा कि ऐसा होता है कि अनबॉक्सिंग किया और बता दिया कि ऐसा ऐसा रिव्यू ये है, ठीक है। एक आई मीन गीक रंजीत का अच्छा लगता है कि वो जो सो करीब करीब महीना दिन फोन यूज करता है, देन उसके बाद रिव्यू करता है। तो इस तरीके से मैंने जो सो आई मीन एक सीरीज का सोचा है कि लॉन्ग टाइम यूज देन रिव्यू। ओके, तो फिलहाल हम इस वीडियो में जो सो बात करने वाले हैं इस ट्राइपॉड के बारे में। और जो ये जो सो ट्राइपॉड मैंने काफ़ी टाइम से यूज कर लिया है और करीब करीब इससे जो सो 3-4 महीने जरूर हो गए। ये जो सो इसका बैग वगैरह फटने भी लग गया है। सो अब मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में प्रोज एंड कॉन्स, क्योंकि अब मैंने इसके बारे में सारा कुछ जानता हूँ, काफ़ी टाइम से इसे यूज़ किया है और इसके बारे में हर एक डिटेल में मैं आपको बता सकता हूँ। जी हाँ, चलिए। तो क्योंकि एक ये ऐसा सामान है कि ये लोग जो सो कभी भी खरीदते रहते हैं, बार बार खरीदते रहते हैं, तो मैंने सोचा ऐसा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम बाद में भी रिव्यू करें, क्योंकि आई मीन ये फ़ोन तो है नहीं कि अभी आया लॉन्च के बाद में कुछ दिनों के बाद में एक आई मीन आउट ऑफ आउटडेटेड हो गया फिर नया आ गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो आपको सबसे पहले तो ये एक बॉक्स मिलता है और मैं अनबॉक्सिंग वीडियो काफ़ी टाइम पहले बनाया था, उसको भी मैं ऐड कर दूंगा, आप देख लेना। और फिलहाल ये जो सो बॉक्स के बाद में आपको बैग मिलता है, तो मैं बैग में इसे रखता था, बैग से ओपन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। और फिलहाल ये जो सो एक दो बार गिर भी गया, तो वो मैं आपको बताता हूँ इस पर जो सो क्या क्या हुआ है अभी तक फिलहाल। तो दोस्तों इस तरीके से जो आपको ये ट्राइपॉड मिलता है और 2000 से 2500 तक का मिल जाएगा, मुझे ये 1700 का पड़ा था। दिल्ली का कुचा चौधरी जो आई मीन फोटो मार्केट है वहाँ पे आप जाते हो तो आपको जो 1500-1600 में आपको ये ऐसा ट्राइपॉड मिल जाएगा। हालांकि मेरे को भी 1600 लास्ट में लगाया था, 1600 का मिल गया था, ठीक है। और ये जो इसको आई मीन क्या था प्रोफेशनल यूज बोलते हैं, ट्राइपॉड वगैरह बोलते हैं, ये जो कंपनी ऐसे करके जैगवार और 880 करके यहाँ पे लिखा हुआ था, जैगवार 880। और इसका बहुत सारे वेराइटियाँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात बता लेते हैं इसके बारे में, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। जी हाँ, तो जो कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे जो बताया गया था कि ये जो सो काफ़ी अच्छे से आप यूज करने के लिए है, यहाँ पे आपको जो सो स्लाइडर मैकेनिज्म मिलता है। जी हाँ, यहाँ पे एक और एक चीज़ जो नहीं मिलता वो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे आप इसको टिल्ट नहीं कर सकते, फ़ोन को टिल्ट करके फोटो नहीं ले सकते, उसके लिए आपको अलग से वॉलेट लेना पड़ेगा, चेंज करना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जो ये मिल जाता है मीन हैंड ग्रिप, और इससे जो आप इधर से इधर रोटेट करने में ये मदद करेगा, ठीक है। और ये देखिए ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कॉन्स क्या क्या हुए। स्टार्टिंग में ये काफ़ी अच्छे स्मूथली वर्क हो रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद में इसमें ये आया दिक्कत, ये देखिए आपको दिख रहा होगा हल्का सा ये जर्क, ये जो जर्क इसी की वजह से मैंने ट्राइपॉड लिया था कि ये जो जर्क नहीं होना चाहिए, अच्छा वॉलेट होना चाहिए, लेकिन ये जो सो बुरा निकला, मतलब कि बोले तो करीब करीब 3-4 महीने यूज़ के बाद में, और एक बार ये गिर गया बाई चांस गलती से, और गिरने के बाद से आई थिंक ये दिक्कत हुआ या फिर पहले ही मुझे नहीं पता, बट ये जो सो दिक्कत हो गया, ठीक है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ ये जो दिक्कत कैसे हुआ। तो ये देखिए इसके जो क्विक रिलीज प्लेट है इसी के साइड में गिरा था ये, और यहाँ पे क्विक रिलीज प्लेट भी कोने पे चला गया और इस साइड भी कोने पे, दो जगह से दो बार गिर गया था और दोनों बार क्विक रिलीज प्लेट पे ही लग गया, ठीक है। तो चलिए इसको तो लगा देते हैं ये चीज़। दूसरा जो कॉन्स मुझे इसमें दिक्कत लगा, ओके ये देखिए ये जो चीज़ है ये घूम रहा है, देख रहे हैं आप हल्का सा नीचे वाला पार्टीशन, ये घूमना नहीं चाहिए, ओके तो ये भी घूम रहा है। इसके अलावा यहाँ से जो से ये लिक्विड मतलब एक ग्रीस जो है सो ग्रीस बाहर आ रहा है, तो ये चीज़ मुझे दिक्कत लगा था इसमें। इसके अलावा ट्राइपॉड काफ़ी अच्छा है अगर आप सिंपल हल्का फुल्का यूज़ के लिए करते हो, ये मेरे हिसाब से क्यों हुआ है तो ये ज़्यादा मैं जो अभी ट्रैवल में कुछ ज़्यादा था, मैंने यहाँ से बिहार गया था वहाँ पे बीच में काफ़ी टाइम यूज़ हुआ है, अलग अलग कंडीशन में यूज़ हुआ है, तो और ये काफ़ी ज़्यादा रोटेट भी किया था, इस वजह से हो सकता है, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ रोटेशन होता है। अगर हल्का सा हल्का हल्का करो, अगर आप रबर बैंड यूज़ कर लेते हो तो आपको बहुत ही स्मूथली ये मूवेबल होता है, 360 मूव कर सकते हो, और इसके साथ साथ आपको जो सो मिल जाता है 360 मूव और अप टू डाउन भी, ठीक है। तो आप इससे काफ़ी अच्छा पैन कर सकते हो, पैन मीन इस साइड में भी वर्टिकल भी और लैंडस्केप भी, ये देख लीजिए, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे आपको मैं बता दूँ तो ये आपको मिल जाता है स्क्रू टाइट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको मिल जाता है एक क्या कहते हैं इसको ड्रॉप, वाटर ड्रॉप होता है जिसमें ये अलाइनमेंट के लिए काम आ जाता है, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों में अलाइनमेंट के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये जो एक चीज़ मिलता है वो है एक हैंडल, जिसके जरिए ये जैसे अगर आप इसे अभी ओपन नहीं किया मैंने, इसे डायरेक्टली इसको ऊपर करेंगे तो ये जैसे ऊपर हो जाएगा अभी, ठीक है। ये देख लीजिए ये लास्ट टू लास्ट इतना ऊपर हो जाता है, ये देखिए
ये इसका हाईएस्ट पोजीशन है, ठीक है, तो आपको दिख गया होगा ये इसका हाईएस्ट है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको पीछे कर लेता हूँ, ये इसका हाईएस्ट है। और अब जो मैं इसे आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि ये कितना ओपन, कितना ऊपर तक ये हो सकता है, ठीक है। करीब करीब जहाँ तक मुझे याद है 5 फीट 6 इंच करके ऐसे करके इन्होंने बताया था, मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है। तो फिलहाल मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ये जो सर 3 टाइम में ओपन हो जाता है। तो सर ओपन करने का, क्लोज करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे अक्सर ट्राइपॉड का ये चीज़ ख़राब हो जाता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जब भी आप ओपन करो तो इसको झटके से मत नीचे लेके जाने दो, हल्का सा लेके जाओ, जब आ जाए लास्ट में तब आप इसको बंद कर दो। झटके होते हैं तो इसी वजह से ये जो ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी लेग्स, तीनों लेग को मैं आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ फिलहाल। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास में होता है क्विक रिलीज प्लेट, और जो कि क्विक रिलीज निकल गया वहाँ से निकाल के ला के आपको इसको बस सेट करना है कैमरे को। और यहाँ पे मैं जो सब यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल कैमरा कैनन 200D, तो इसको मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ अटैच। I need a scarecrow after what you did, 'cause all of the birds know. ये जो सर अटैच हो गया, टाइट हो गया, और अब इसे हम अटैच वहां पे लगा दे रहे हैं। ओके तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सो हमने इसमें कैमरा अटैच कर दिया है ट्राइपॉड में, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया ट्राइपॉड काफ़ी स्मूथ है। आप इसको जो सो चारों साइड रोटेट कर सकते हो, पैन कर सकते हो। चलिए मैं इसे जो सो ऑन कर ले रहा हूँ और आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से आपको जो सो वीडियो मिल जाता है। और फिलहाल ये जो सो मैं थोड़ा सा रूम में बना रहा था अपने वीडियो, इसलिए काफ़ी सेटिंग इधर उधर है। चलिए गुड कूल, अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो सेटिंग हो चुका है, और ये आप देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से ये पैन हो पा रहा है। चलिए यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, और रिकॉर्ड करने के बाद मैं आपको ये वीडियो इसके बाद में आपको वहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो पैन में आपको जो कोई दिक्कत नहीं मिलने वाला, पैन आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, फ्रंट एंड बैक, अप एंड डाउन, ठीक है। और बाकी मैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लूँ तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है एक ये वाटर बबल वाला अलाइनमेंट सेट करने के लिए, जो कि मतलब ये अलाइन है कि नहीं। इसके अलावा यहाँ पे जैसे एक और होगा, यप ये रहा, देख लीजिए। और ये ट्राइपॉड जो है सो इस तरीके से आपको मिल जाता है, ये काफ़ी टाइम हो गया इसलिए इसका जैसे मिट गया। यहाँ पर लिखा हुआ था प्रोफेशनल और जैगवार 880 करके लिखा हुआ था, ये प्रोफेशनल लिखा हुआ था, ये प्रोफेशनल लिखा हुआ था, यहाँ पे जैगवार 880 या फिर पता नहीं यार, मैं भूल भी गया हूँ,
ऐसे कुछ लिखा हुआ था, सॉरी। आई मीन मैं इसका लिंक ढूंढ के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये जो ट्राइपॉड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पे आपको जो लेग में मिल जाता है ऐसा कि ये जो सो इधर उधर खींच के ना, आप ये देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है। और हाइट में बात कर ले तो हाइट में दोस्तों ये मेरे हाइट से भी थोड़ा सा ऊपर ही है, मतलब कि मैं 5'5" हूँ तो ये 5'6" या फिर 5'2" ऊपर ही होगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो थोड़ा सा और ऊपर जाता है, यहाँ ये हाइट तो यहीं तक है, इसके अलावा ये जो सो ये चीज़ ऊपर जाता है यहाँ से रोटेट करने पर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ओके। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में और इस ट्राइपॉड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर से आपको इसका रिप्लाई दूंगा। और फिलहाल यहाँ पे कुछ और बातें मैं आपको बता दूँ, अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आप इसको यहाँ से ओपन करके इसको अपोजिट साइड में यहाँ पर लगा सकते हो, ताकि आप जो लेफ्ट हैंडेड में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे गियर कंट्रोल सेंटर होता है, या फिर आप गियर बॉक्स बोल लीजिए, इसके ज़रिए ये जो यहाँ पे कंट्रोल होता है कि इसको कितना आपको टाइट रखना है, कितना लूज रखना है, ये इसके वजह से यहाँ से कंट्रोल होता है इस चीज़ का, मतलब अप डाउन वाले का, ठीक है। तो ये दोनों मेथड है यहाँ पे कंट्रोल करने का, ओके। फिलहाल मैं जैसे शॉप से मिल के आया था, जहाँ से मैंने लिया था वापस, तो उन्होंने बोला था कि ग्रीसिंग वगैरह का वो साफ़ कर देंगे, फिनिशिंग कर देंगे, और उसके बाद में ये हमें वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये चीज़ मैं करवा के लाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो दोस्तों आशा करता है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर कमेंट, जी हाँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हर दिन आपके लिए लेके आता हूँ एक नया टेक्निकल वीडियो। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।